और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाके यहाँ पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। इससे हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। साथियों, अपने कार्य को आगे बढ़ाने से पहले एक बात सबके सामने स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा हमारा परिवार और हमारे बच्चे होते हैं। अभी मैंने एक जो खबर पढ़ी वंदना जी बहन की, बहुत दुख हुआ। कई बार ऐसा होता है कि विचार ज्यादा हावी हो जाते हैं, गलत विचार कि समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें, और कई बार गलत कदम उठ जाता है। इस बात को मैं पहले ही दूर करना चाहता हूँ, और वो विचार जरूरी नहीं कि मेरे दिमाग में नहीं आएंगे, आपके दिमाग में नहीं आएंगे। एक कई बार विशेष परिस्थिति विशेष टाइम ऐसा होता है, उस टाइम पर हम अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि नौकरियां आती जाती रहेंगी, अगर जीवन होगा तो। हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा परिवार है और हमारे बच्चे। सबसे हाथ जोड़ने मेरा निवेदन है कि कितनी भी विजय परीक्षा आ जाए, ऐसे विचारों को आप मत होने देना। सबके दिमाग में विचार आते हैं और हावी होते हैं। सबसे एक बार सभी बहनों से भाइयों से विचार निवेदन कर रहा हूँ कि सोचो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आगे आने वाले टाइम में फिर संघर्ष होगा, तो कई बार फिर खबर आएंगे, फिर पैसे पढ़ेंगे, भटक में आप क्या होगा यार, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे, समझ में नहीं आता, सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन उस टाइम तक आगे सबसे कहूंगा कि आपके अपने बच्चे हैं, उस बच्चों का फोटो साथ में रखो और एक बार उन बच्चों का फोटो जरूर देखो। आप रहोगे तो इनको पढ़ा लोगे, बहुत अच्छे स्कूल में नहीं छोड़े, इनको पढ़ा लोगे, बहुत ज्यादा सलाद और फल नहीं कमाओगे, चटनी से रोटी खिला लोगे, लेकिन आप चले गए तब क्या हो। इसीलिए उसका साथ में रखना, अगर कुछ अनमेरिड है तो अपने माता पिता का फोटो साथ में रखना। ये बात मेरी ऐसी मजाक की बात बहुत समझना चाहती, क्योंकि ये विचार किसी का भी आ सकता है, मेरे भी आप लोग। बहुत बार ऐसा हुआ।